हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं यहाँ पे नॉन स्टिक तवा का अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, तो चलिए अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑनलाइन नॉन स्टिक तवा मंगाया है जो वर्गनर कंपनी का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे नॉन स्टिक तवा में 1 साल की वारंटी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे नॉन स्टिक तवा का साइज 28 सेंटीमीटर है। और हमने इसे नॉन स्टिक तवा को 1167 रुपीज में मंगाया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे जाने माने शेफ विकास खन्ना सर इसे रिकमेंड करते हैं। तो चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन मैनुअल है। आप इसके जरिए जान सकते हैं कि हमारा इसे नॉन स्टिक तवा में क्या क्या मटेरियल से, कौन कौन चीजों से यह हमारा नॉन स्टिक तवा है बना है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में आप जान सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे इसे नॉन स्टिक तवा को काफी अच्छे तरीके से रैपिंग किया गया है, ताकि यह तवा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डैमेज बिल्कुल भी ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यह तवा है कलर में बहुत ही बढ़िया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हैंडल भी काफी ज्यादा मजबूत है। और हमारा यह नॉन स्टिक तवा एल्युमिनियम से बना है और ऊपर से मार्बल की कोटिंग है। और हमारा यह नॉन स्टिक तवा मेड इन इंडिया है। और यह तवा को आप गैस और इंडक्शन दोनों में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस तवा में कुछ बना लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल हमें उपयोग करना है, बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरीके से ब्रश की मदद से फैला लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे इस नॉन स्टिक तवा में बहुत ज़्यादा तेल डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम तेल में ही हमारा यह रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से चलिए बना लेते हैं। आपने देखा है, यहाँ पे हमने 3 बूंद तेल का ही इस्तेमाल करके इतना अच्छा और इतना टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से इस हेल्दी रेसिपी को बनाएंगे। तो हमें इसमें दोबारा तेल डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना तेल डाले इसे रेसिपी को तैयार करेंगे। और यहाँ पे आप इस तरीके से हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद इस तवा को आप हार्ड मेटल से बिल्कुल भी ना धोएं, सॉफ्ट चीज से इस बर्तन को आप धो के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यह तवा है क्लीन हो जाती है। और हमारा यह नॉन स्टिक तवा बहुत ही बढ़िया है। और हमने इस तवा को जियो मार्ट से मंगाया है। आप चाहे तो इसे जियो मार्ट या अमेजोन जिससे भी मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा यह अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।